समस्तीपुर जिले में अपराधियों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस का खौफ अपराधियों के चेहरे से कमता जा रहा है। आज समस्तीपुर जिला के पूसा फार्म एरिया में आज फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की यह ब्रेकिंग खबर समस्तीपुर के पूसा बाजार से मिल रही है। बताया जा रहा है यहाँ एक बाइक पर सवार 3 अपराधी पहुंचे और सरयाम दिन दहाड़े एक बाइक की डिक्की से करीब 85,000 रुपए निकालकर चलते बने। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज कैमरे में देखा जा सकता है। बताया जाता है कि व्यवसायियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसमें सारा घटनाक्रम कैद हुआ है जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। बताया जाता है कि पड़ोसी मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड में पटसारा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रंजीत ठाकुर के करीबी एक किसान रिश्तेदार के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि जो पीड़ित हैं वह पटसारा पंचायत के एक किसान हैं, लिहाजा उनके साथ यह घटना घटी। जी क्या नाम हुआ आपका? मालेश्वर शर्मा। क्या घटना हुई है? मैंने दिल्ली से चुरा के चोर के निकाल लिया। ये कब की बात है? 12:54 की। 12:54 आज दिन में? आज दिन में। तो ये कहाँ से ला रहे थे पैसा? PNB कॉलेज वाले से। कौन सा बैंक है? PNB पंजाब नेशनल बैंक। PNB। और कितना पैसा था उसमें? उसमें था 84,600 जी और 2500। तो पैसा किसी काम के लिए ले जा रहे थे? मैंने खेती के काम के लिए। खेती के काम के लिए। तो कोई पीछा कर रहा था आपका? हम नहीं देख पाए। कोई नहीं देख पाए? तो यहाँ पर क्यों रुके थे? आयरन दिए हुए थे बनाने के लिए, वही लेने के लिए रुके थे, ऐसे घूमे हैं। तो कितना देर के, जैसे गाड़ी लगाने की कितना देर के अंदर में पूरी घटना? 2 मिनट के अंदर में होगा। तो फिर इस मामले की शिकायत किए हैं कहीं? थाना से किए। कौन से थाना से? सोसा थाना। फिर क्या एक्शन हुआ? आया है, मैंने कहा आगे वहाँ पर देखो कहाँ पर हुआ, देखेंगे। वो आया, देखा है CCTV जी, वो मैंने फोटो उसका आ रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा है, पेन दे गया, दे दिया। वो अपराधी की संख्या कितनी रही होगी वो जो लिए हैं? दो। और बाइक से ही आए थे? हाँ, बाइक से ही आए थे। उनको तो पहचान है ना? 16/74 पहचान हुई? नहीं देखा। तो जैसे पुलिस जो आई है तो पुलिस का उन्हें क्या रोल रहा है, क्या आश्वासन मिला आपको? बोला है जो मैंने अगर उसका फोटो मिल जाता है, नंबर जाता है, तो मैं आपको निकाल के पूरा संतोष के आपको मिल जाएगा। ये जो घटना स्थल है कौन सा जगह का है? ये पूसा थाना में पड़ता है? पूसा थाना है। आपका घर कहाँ? पटसारा। कौन सा थाना? पीड़ित ने A to Z न्यूज लाइव से पूरे घटनाक्रम को बयां किया। स्पॉट पर पहुंची A to Z न्यूज लाइव से वहां मौजूद लोगों ने, पीड़ित एवं उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि पूसा उमा पांडे कॉलेज परिसर में स्थित बैंक शाखा से जब पैसा की निकासी कर किसान लौट रहे थे, रास्ते में एक आयरन की दुकान पर उन्होंने आयरन बनवाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी। जैसे ही दुकान में गए और लौट कर आयरन डिक्की में रखना चाहे, तब देखा कि तब तक उनके डिक्की से करीब 85,000 रुपए गायब हो चुके थे। क्या नाम हुआ आपका? क्या मामला है जो चोरी का है, डिक्की से जो पैसा निकालने का है, रियलिटी क्या? रियलिटी है कि ये यहाँ पे बाइक लगाए जी, उन्होंने बाइक लगाया यहाँ पे आए, फिर पूछे कि मैं आयरन बनाने के लिए दिया था। हमने बोला कि कौन सी कंपनी का आयरन है जी, ये बताए, बोला कि हमको नहीं मालूम है। हम देखने लगे इधर उधर के बाद, देखने के बाद उधर मिल गया। मिलने के बाद इनको बोले कि हम चेक करके दिखा देते, चेक करके दे दिए। उनके बाद ये पूछे कि कितना पैसा हुआ, पैसा हमने बोला कि 50 रुपया हुआ है सर्विसिंग चार्ज, सामान लगाए वो तो खोल के नहीं दे सकते आप, कम बेसी होगा तो भैया आएंगे तो जाएंगे। उसके बाद वो पैसे दिए, उसके बाद हमने रख लिए। उनके बाद वो एक पॉलिथीन में रख के, अगर रखने लगे डिग्री में आयरन रखने लगे तो देखे कि डिग्री खुला होगा, रखे हमने बोला कि नहीं यहाँ पर आप नहीं रखे। उसके बाद वो बोले कि शायद पर्स चोरी हो गया। फिर हम काउंटर के बाहर गए तो एक लड़का आया, उधर से बोला कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, मतलब कोई आया डिक्की खोल के देखा। उसके बाद थोड़ा हम शॉर्ट कर गए, उसके बाद चेक करने गए
कैमरा में तो वो पासपोर्ट लगा हुआ था, पासपोर्ट से नहीं मालूम उसके बाद किसने। तो जब आपसे आयरन लेकर के वापस डिक्की में रखने लगे तब पता लगा कि पैसा चोरी हो गया? इससे पहले नहीं पता लगा? जी नहीं पता लगा, हम तो ये चेक करने लगे थे यहाँ पे कि इसमें। कब की बात है, टाइमिंग क्या रहा होगा? यही 12:50 के बाद। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार। ये जो पीड़ित हैं आप ही के यहाँ के? जी 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 जी, मेरे यहाँ के हैं, चाचा जी लगते हैं। तो क्या मामला है पूरा? ये PNB बैंक से पैसा निकालने आए थे, घर के किसी कार्य के लिए, किसान हैं उसी कार्य के लिए, अपना खेती बाड़ी के लिए पैसा निकालने के लिए बैंक गए। तो बैंक के बाद ये आयरन दिए हुए थे, वो आयरन लेने के लिए आए तो देखे कि एक डिक्की खोल के मेरा पैसा गायब हो गया। फिर हमको कॉल किए गांव वाली बात की, तुरंत हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद जो है सो यहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद यहाँ पता लगा तो इनसे पूछे क्या अभी तक किए हैं, ये बताएं कि जो हम लोग थाना पर गए हैं, थाना प्रभारी महोदय से बातचीत हुई है, CCTV में जो है सो उसका फोटो है और पेन ड्राइव थाना दिए हैं, उनको निकाल के और कहें कि जो हम वहाँ से ले जाएंगे अपना पेन ड्राइव छोड़ दीजिए। तो आपको लगता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा था? तो रहा है, जब आपसे कहें 2 मिनट का खेल हुआ तो पीछा तो करता ही रहा होगा, कोई से ही कोई लग गया होगा। तो ये पोसा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है? जी जी। तो क्या एक्शन है पुलिस का? प्रभारी महोदय तो कह रहे हैं जो हाँ हम लोग कार्रवाई करने के लिए तुरंत जो है तैयार हैं। ये घटना के कितने घंटे हो गए? मोटामोटी हमको लग रहा है जो 12:50 में ये लोग कह बोल रहे हैं और आपसे कहें से 6:30 हो गया। तो पुलिस का कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? तो नहीं, कई घंटे बीत चुके हैं। तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे, इसकी शिकायत करेंगे वरीय पदाधिकारी से? जी 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 जी, अभी तो थाना प्रभारी महोदय से जो बातचीत हुई है वो लगे हुए हैं और उसके बाद जो है सो आदेश जो उनके साथ क्या कुछ घटना हुआ इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने तत्काल ही पूसा थाने पहुंचकर पुलिस पदाधिकारी से की। पुलिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे भी और आवश्यक छानबीन की प्रक्रिया की, कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद भी अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं होना आम लोगों में, खासकर पूसा बाजार के व्यवसायियों में भी भय का वातावरण लगातार बढ़ा रहा है।